धांधली करने वालों की छुट्टी, शफाफ इंतखाबात के लिए जस्टिस आयशा ने ऐसा तारीखी फैसला कर दिया कि आप भी दाद दिए बिना ना रह सकेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट करें, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के तारीखी फैसले से आम इंतखाबात 2018 की शफाफियत की बुनियाद रख दी गई। मौजूदा जज के फैसले से उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट देने से कबल कड़े एहतसाब से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को ये साबित करना पड़ेगा कि मुआशरे के बेहतरीन शहरी और आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरते हैं। पार्लियामेंट की जानिब से बनाए गए कागजात नामजदगी के तहत अगर इलेक्शन हो जाते तो इक्तदार में जराइम पेशा धोखेबाज अफराद अवामी नुमाइंदों के तौर पर बआसानी मुंतखब हो सकते थे। इसके बाद आखिरकार जस्टिस आयशा मलिक ने पार्लियामेंट की जानिब से कागजात नामजदगी फार्म के कालम ख़त्म करने का इकदाम कालदम करार दे दिया। इस फैसले पर पूरे मुल्क की सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, सीनियर वकला जस्टिस आयशा मलिक को खराज तहसीन पेश करते दिखाई दिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जस्टिस आयशा मलिक ने ऐसा फैसला किया जिससे आम इंतखाबात 2018 को साफ और शफाफ बनाने की बुनियाद रख दी गई। इस फैसले से उम्मीदवारों को मुकम्मल छानबीन के बाद ही इलेक्शन में हिस्सा लेने का ग्रीन सिग्नल मिलेगा। यानी हाई कोर्ट के फैसले के बाद टैक्स चोर, जराइम पेशा अफराद, धोखेबाज और दहरी शहरियत के हामिल अफराद के इलेक्शन लड़ने का रास्ता रोक दिया गया।